न्यूज़ खबरों की नई पहचान। विभिन्न मांगों को लेकर जेएमएम के बैनर तले विस्थापितों ने एमपीएल का मेन गेट के समक्ष धरने पर बैठ गए। विस्थापितों द्वारा मुख्य गेट को जाम कर दिए जाने से एमपीएल की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप हो गई। धरने पर बैठे विस्थापितों ने बताया कि एमपीएल द्वारा बाहरी लोगों को नियोजन दिया जा रहा है, परंतु यहां के विस्थापितों को नियोजन नहीं दिया जा रहा है। जमीन हमारी गई तो नियोजन किसी और का क्यों मिले? हमारी मांग है कि हम सबों को एमपीएल द्वारा नियोजन दिया जाए। वही धरने का नेतृत्व कर रहे समिति के महामंत्री रामरंजन मिश्रा ने बताया कि एमपीएल स्थापित हुए 12 वर्ष बीत गए, परंतु एमपीएल के साथ जो सहमति बनी है उसे एमपीएल पूरा नहीं कर रहा है। यहां तक कि उपायुक्त सीओ सहित कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक हुआ, जिसमें यह सहमति बना कि जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको 2250 रुपये करके महीना का दिया जाएगा। उस सहमति को भी 2 साल बीत गए, परंतु एमपीएल द्वारा इस पर किसी तरह का अमल नहीं किया गया। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे एमपीएल पूरा नहीं कर रही है। ऐसे की मुद्दों को लेकर आज मुख्य गेट को जाम कर धरना दिया जा रहा है, लेकिन उसका आउटपुट कुछ रिजल्ट नहीं मिला, जिसके कारण जिला का वरीय पदाधिकारी से बात हुआ, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने 25 तारीख को एमपीएल और हम लोग के साथ बैठ के वार्ता कराएंगे। इसी विषय पर, इसी बात पर हम लोग इस एजिटेशन को आज विद्रोह कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रदर्शन शुरू होने के बाद हम लोग को जानकारी मिली है, इसका किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम नोटिस नहीं दिया गया था, ना ही एमपीएल को, ना ही प्रशासन को किसी को। अचानक ही लोग आए दिन इस तरह से धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, जो पूर्णतः गैरकानूनी है। अभी लोग सीनियर पदाधिकारी से वार्ता की बात हुई है, उसको उसके बाद ये लोग धरना समाप्त।